अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदेद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पिछले लेक्चर में हमने दो केस किए थे, उसके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, और आज हम इसके नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस उसी को शट डाउन पॉइंट कहते हैं, और उसके बाद हम इसका लॉन्ग रन भी इसको डिस्कस करके हम इस टॉपिक को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत आपको बाद में तंग करेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप बेशक आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, एफए के स्टूडेंट्स हैं, या फिर बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो ये लाजमी आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस की जानिब हम बढ़ते हैं। नॉर्मल लॉस में आप क्या करते हैं कि आपके पास रेवेन्यू कम हो जाता है, कॉस्ट आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपने रेवेन्यू, आपने जो जनरेट की है, जो मिली है, उससे कॉस्ट आपकी ज़्यादा हुई है। आप मंडी में जब गए थे, आपको जो चीज़ मिली थी 1000 रुपये की, वापस आपने आपके सेल उसको की है 950 रुपये की, 950 रुपये की, 960 रुपये की, तो आपको नॉर्मल लॉस हुआ है। तो चलते हैं इसके डायग्राम की जानिब, और उसके बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी इसकी बेसिक डायग्राम, जिसमें आपके पास ये हॉरिजेंटल लाइन जो थी, ये हमने डिस्कस किया था, ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की थी। ये जो नीचे से कट कर रहा है, ये आपके पास मार्जिनल कास्ट होगी। ये एवरेज वेरिएबल कास्ट जो चेंज होती रहती है, ये भी इसके नीचे से कट करेगी। और हम डिसीजन जो लेते थे वो एवरेज कास्ट पे था। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो अभी से स्टार्ट किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम डिसीजन लेंगे एवरेज कास्ट पे। अगर एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू या मार्जिन रेवेन्यू के नीचे से कट करे, तो इसको कहते हैं ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू के साथ से टच करे, तो उसको कहते थे हम नॉर्मल प्रॉफिट। आज हम करने जा रहे हैं कि एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से कर रही है, मतलब कि आपको रेवेन्यू कम मिली है, आपकी कास्ट जो थी वो ज़्यादा हो गई है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। आप इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज में रखें कि आपकी कास्ट, जो आपका ख़र्चा है, ये ज़्यादा हो गया है, और आपकी जो रेवेन्यू मिली है, अर्निंग मिली है, वो आपकी कम हुई है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। यानी कि एक सब्ज़ी वाला है, उसने मंडी से जो चीज़ें ली थी 1000 रुपये की, वो उसको 1000 रुपये का समझे कि ये आपके पास कर्व हो गया एवरेज कास्ट का, और उसको एवरेज रेवेन्यू जो शाम तक पैसे मिले हैं वो 950 रुपये मिले हैं, तो वो उसके एवरेज रेवेन्यू की ये वाली लाइन होगी, और ये दरमियान वाला गैप उसको क्या होगा, वो लॉस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो दो केस थे, हमारे पास नेसेसरी कंडीशन और सफिशियंट कंडीशन, ये तो फुलफिल हो रहे हैं। यानी कि मार्जिनल कास्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन थी, ये हॉरिजेंटल जो थी, और ये जो नीचे से कट करके ऊपर जा रही है मार्जिनल कास्ट की, ये दोनों एक ही पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, मतलब कि ये इक्वल हो गए हैं। दूसरी इसकी सफिशियंट कंडीशन होती है कि मार्जिनल जो कास्ट है ये नीचे से कट करे, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे से कट करे, तो ये इसकी दूसरी सफिशियंट कंडीशन होती है। तो ये दोनों फुलफिल हो रही हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि नॉर्मल लॉस कैसे हुआ है हमारे पास। लेट्स सपोज हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की 10 यूनिट की, तो सपोज दैट यहाँ पे आपने 25 खुद से एक नंबर लिख लिया, आप 25 ना लिखें, आप 50 लिख लें, कुछ भी लिख लें। 25 इधर आपने प्राइस रखी, क्वांटिटी आपने इधर 10 रखी, 25 को आप 10 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 250 आपके पास रेवेन्यू आ जाएगी। यानी कि आपने जो चीज़ें सेल की हैं वो 250 रुपये की, 10 यूनिट थे, हर एक यूनिट की आप प्राइस लगा रहे थे 25 रुपये, ठीक है। एक यूनिट की कीमत थी 10 रुपये, 25 यूनिट की कीमत हो गई है 250 रुपये। लेकिन जब आपने देखा कि आपने वही चीज़ें परचेज खुद कितने की थी, वो आपने की थी 30 रुपये की, तभी जाके आपको नॉर्मल लॉस की समझ आएगी कि आपने खुद ली थी वो चीज़ 30 रुपये की, सेल कर रहे हैं आप उसको 25 रुपये की, तो ये 30 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 300, मतलब कि आपके पास कास्ट आई है 300, जो चीज़ आपने खुद 300 की ली थी, जो कास्ट आपके पास 300 आई थी, वो आपने सेल की है 250 की, 250 रुपये की सेल की है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी रेवेन्यू वाली आपके पास लाइन कौन सी होगी, ओ क्यू ये वाली, और उसके बाद ई ये वाली, और पी ये वाली, यानी कि ये आपके पास होगी रेवेन्यू की लाइन, और उसके बाद आपके पास कास्ट की कौन सी होगी, ओ क्यू ए बी, ये आपके पास होगी आपकी कास्ट की लाइन। तो यानी कि रेवेन्यू आपको मिली है 250 रुपये आपने सेल की है, तो और कास्ट आपको मिली है 300 रुपया, तो आपके पास जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला था रेवेन्यू माइनस कास्ट, यानी कि प्रॉफिट आपको मिला है, रेवेन्यू आपको मिली है 250, कास्ट मिली है आपको 300, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो माइनस 50 का मतलब ये है कि प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया है,
लॉस हुआ, या आप इसको दूसरी सेंस में भी समझ सकते हैं, आपका लॉस जो है, लॉस का फार्मूला हम उलट लिखते हैं। प्रॉफिट का फार्मूला आता है रेवेन्यू माइनस कास्ट, लॉस का होता है कास्ट माइनस रेवेन्यू। कास्ट आपको 300 मिली है, रेवेन्यू आपको 250 मिली है, लॉस आपको हो गया 50 रुपीज़। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी दिन बारिश की वजह से एक गाड़ी वाला था, या एक सब्ज़ी वाला था, एक रेडी वाला था, बारिश की वजह से उसने जो सुबह चीज़ें परचेज़ की थी खुद 300 रुपये की, शाम तक उस बेचारे से सेल नहीं हो सकी, तो उसने क्या किया, वही 300 की चीज़ें हैं उसने सर से उतारने के लिए उसने 250 रुपये की सेल की, अब उसको हो रहा है नॉर्मल लॉस। इसके बाद है लास्ट केस। लास्ट के स्टूडेंट्स है हमारे पास शट डाउन पॉइंट या एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। इसमें भी यही कंडीशन है कि एवरेज रेवेन्यू कम हो जाती है, एवरेज कास्ट ज़्यादा हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं एवरेज और रेवेन्यू जो है वो इक्वल हो जाती है एवरेज वेरिएबल कास्ट, यानी कि सिर्फ हमारी वेरिएबल कास्ट ही पूरी हो सकती है, वेरिएबल कास्ट ही हमारी पूरी होती है। यानी कि हम जब कास्ट वो लगाते हैं तो फिक्स कास्ट होती है, वेरिएबल कास्ट होती है, तो इस केस में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल कास्ट ही पूरी हो रही है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो एवरेज कास्ट है ये तो ऊपर से ही एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से ड्रा करेगी, गुजरेगी, लेकिन इसमें एवरेज वेरिएबल कास्ट हमने पिछले तीनों केसों में हमने एवरेज वेरिएबल कास्ट को इसके नीचे, इस एवरेज रेवेन्यू के नीचे से कट किया था, लेकिन इस केस में ये एवरेज वेरिएबल कास्ट इसके साथ से गुजरेगी। तो इस केस में ये वाला केस आपके पास हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस का स्टूडेंट्स केस ये है कि जब आपके एवरेज कास्ट तो ज़्यादा हो ही जाए लेकिन एवरेज वेरिएबल कास्ट भी जो है इस लाइन के साथ से गुजरे, तो ये आपके पास हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस का केस। लेकिन नॉर्मल लॉस में क्या हुआ था, एवरेज वेरिएबल कास्ट अगर इस लाइन के नीचे से हो तो वो है नॉर्मल लॉस। अगर इसी केस को मैं चेंज करूँ, एवरेज वेरिएबल कास्ट को इस लाइन के नीचे से कट करूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा नॉर्मल लॉस का केस। तो स्टूडेंट इसमें भी दो आपके पास जो कंडीशंस थी वो फुलफिल हो रही हैं। तो शट डाउन पॉइंट का मतलब ये है कि एक दुकानदार था, उसने जो चीज़ें खुद परचेज़ की हैं वो भी सेल नहीं हो सकी, ऊपर से चूंकि कोरोना वायरस आ गया था तो उसको दुकान का किराया भी देना पड़ा, उसको मकान का किराया भी देना पड़ा, उसकी जो चीज़ें परचेज हुई थी वो भी लॉकडाउन की वजह से सेल नहीं हो सकी, तो वो चाहेगा कि मैं अपने कारोबार को ठप कर दूँ, बंद कर दूँ, तो वो शट डाउन कर देगा पॉइंट। यानी कि उसको एवरेज वेरिएबल कास्ट ही रिकवर नहीं हो रही, या हो भी रही है तो बहुत ही कम मकदार में हो रही है। यानी कि आपके पास अभी हो जाएगा रेवेन्यू मिलेगी ओ क्यू ई पी, यानी कि ये वाला जो कर्व है ये आपके पास ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपके पास रेवेन्यू वाला। यानी कि आपने 10 यूनिट सेल की हैं 25 रुपये के, तो आपके पास 250 रुपये आपको रेवेन्यू मिली है, लेकिन आपको जो कास्ट थी, कास्ट आपने 35 कास्ट लगाई थी, तो 10 यूनिट थे 350, ये 35 ऊपर होगी, यानी कि कास्ट आपने कम ज़्यादा लगाई, रेवेन्यू आपको कम मिला, खर्चा आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, आपको जो पैसा मिला है वो बहुत कम मिला है। रेवेन्यू माइनस कास्ट करेंगे आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, 250 से आप 350 माइनस करें प्रॉफिट हो गया नेगेटिव में, मतलब इसका है लॉस, आपको 100 रुपये का लॉस हो गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि लॉस आपको कितना हुआ है, कास्ट माइनस रेवेन्यू करेंगे, 350 से 250 को माइनस करें, लॉस आपके पास हो गया है 100 का। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैं फिर से आपको ये डिस्कशन मैं कराने जा रहा हूँ इन दोनों केस की। ये था हमारे पास नॉर्मल लॉस का केस। अगर एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू के ऊपर से कट करे और एवरेज वेरिएबल कास्ट नीचे से कट करे तो ये होता है नॉर्मल लॉस। और उसके बाद अगर एवरेज कास्ट ऊपर से ही कट करे लेकिन एवरेज वेरिएबल कास्ट भी अगर ऊपर चली जाए तो ये आपके पास हो जाएगा सुपर नॉर्मल लॉस, या फिर हो जाएगा शट डाउन पॉइंट। इसमें जो होगा बिजनेसमैन होगा, जो फर्म होगी, वो इस बिजनेस को ठप करके बंद करके वो घर चली जाएगी पक्की पक्की। तो ये था नॉर्मल लॉस और नीचे था एबनॉर्मल लॉस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस केस में, वो क्या है कि डिटरमाइन द आउटपुट एंड प्राइस इन लॉन्ग रन। अब जो मार्केट में बंदा बैठा हुआ है वो लॉन्ग रन में क्या सोचेगा कि यार मुझे कितना प्रॉफिट हो तो मैं उस इस बिज़नेस को मैं चलाता रहूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो लॉन्ग रन में हो, वो होगा लॉन्ग रन एवरेज कास्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू। यानी कि हमने जो दूसरे वाला केस किया था नॉर्मल प्रॉफिट वाला, कि उसकी वो ख्वाहिश होगी कि बस मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिलता रहे तो मैं ये काम चलाता रहूँगा, मैं ये काम ठप नहीं करूँगा, बिज़नेस को ठप नहीं करूँगा, बिज़नेस को बंद नहीं करूँगा, बिज़नेस को क्लोज़ नहीं करूँगा। यानी कि जो दूसरा केस था हमारा, वही केस को आप इधर रिपीट कर दें, साथ में लॉन्ग रन लिख दें, जहाँ जहाँ आपका एम सी ए आर है, एम आर है, वहाँ पर आप एल एल साथ साथ अटैच करते जाएँ तो आपके पास ये बन जाएगा। यानी कि ये आपके पास ये लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू की मार्जिन रेवेन्यू की लाइन थी, उसके बाद ये आपका मार्जिनल लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट की लाइन थी, और ये जो एवरेज कास्ट थी ये इसके साथ से ही गुजरती जाए तो ये आपके पास होता है नॉर्मल प्रॉफिट का केस। अगर नीचे से गुजरे ये होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, साथ से गुजरे ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट,
थोड़ा सा ऊपर से गुजरे तो यह होता है नॉर्मल लॉस, बहुत ऊपर से गुजरे तो नॉर्मल लॉस, और उसमें एवरेज वेरिएबल कास्ट भी ऊपर चली जाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा कि एवरेज कास्ट भी यहाँ से गुजरेगी और मार्जिनल कास्ट भी यहीं से गुजरेगी। तो दो हमारे पास जो केस इसकी कंडीशन थी वो दोनों फिलफुल हो रही हैं, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिन कास्ट और लॉन्ग रन मार्जिन रेवेन्यू दोनों ई पॉइंट पे दोनों फुलफिल हो रही हैं, आपस में वो इक्वल हो रही हैं। सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि लॉन्ग रन जो मार्जिन कास्ट थी वो नीचे से कट रही कर रही है लॉन्ग रन मार्जिन रेवेन्यू को, और ये भी पॉइंट ई पे दोनों फुलफिल हो रही हैं। अब उसके बाद रेवेन्यू हम देखिए है, तो रेवेन्यू आपके पास ओ ई ओ क्यू ई पी, ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास रेवेन्यू की होगी। और उसके बाद जो आपके पास कास्ट थी वो भी यही थी ओ ई ओ क्यू ई पी, यानी कि जितने पैसे आपने लगाए थे उतने ही आपको वापस आ गए हैं। तो मतलब कि आपके 10 यूनिट आपने सेल किए थे, 25 यूनिट थे आपके पास, 250 आपके पास ये होगी रेवेन्यू, और 10 यूनिट थे आपके पास, 25 रुपये के आपने कास्ट लगाई थी, ये आपके पास होगी 250, ये आपके पास होगी कास्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला था रेवेन्यू माइनस कास्ट, यानी कि रेवेन्यू आपको पास हुई है 250, कास्ट आपको मिली है 250, प्रॉफिट हो गया है ज़ीरो। अभी ये आप ना सोचिएगा कि उसको तो ज़ीरो प्रॉफिट हुआ है तो वो मार्केट में बैठेगा क्यों, लेकिन स्टूडेंट्स आप जब देखें कि ये आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब आप करते थे उस टाइम वो अपना प्रॉफिट ले चुका था, यानी कि ज़ीरो प्रॉफिट मीन्स ऑर्गेनाइजर्स ऑलरेडी गेट ऑलरेडी प्रॉफिट एज अ रिवार्ड ऑफ हिज सर्विसेज। जो ऑर्गेनाइजर था, जो एंटरप्रेन्योर था, वो ऑलरेडी पहले ही अपना प्रॉफिट ले चुका था। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कौन कौन से होते हैं, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन सारे को ऐड करें तो ये आपके पास कोई चीज़ बनती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, आउटपुट होती है। और आप जब इसको रिवार्ड देते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, लैंड को चला गया रेंट, लेबर को चला गया वेज, कैपिटल को चला गया इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन को चला गया प्रॉफिट। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये जो इसको कास्ट मिली है ये 250 नहीं मिली, ये इसको कास्ट असल में जो मिली है ये 250 में से आप 75 को 75 को माइनस करें तो वो कास्ट है इसकी। इस कास्ट में वो अपना पहले से ही वो ले चुका है, 75 वो ले चुका है, तो ये उसका प्रॉफिट ये उसका शो होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 50 रेंट दे दिया, वेज को 50 दे दिया, इंटरेस्ट रेट को 75 दे दिया, प्रॉफिट को 75 दे दिया, तो हमने ऐड किया 250। यानी कि जब लॉन्ग रन में एक फर्म बैठी रहेगी मार्केट में, कब तक, जब उसको ये 75 75 मिलता रहेगा तो वो बैठा रहेगा। लास्ट लाइन हम इसमें देख लें, लास्ट लाइन इसमें आप देखेंगे तो वो कहती है सो फर्म रेवेन्यू इज इक्वल टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो फर्म की रेवेन्यू है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल हो गया, और वो फर्म जो है फिर भी वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रहा है। तो स्टूडेंट्स परफेक्ट कंपटीशन को हमने यहाँ पे एंड कर लिया। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ बहुत ज़्यादा खरीदने वाले बहुत ज़्यादा बेचने वाले हो, फर्म जो है वो प्राइस टेकर हो, मेकर ना हो, खुद ना बनाए, नो क्लो उसका वो है कि नो बैरियर्स हो एंट्री पे, नो बैरियर्स हो एग्जिट पे, परफेक्ट नॉलेज हो, होमोजीनियस गुड्स हो। तो हमने इसके उसके बाद चार केसेस किए हैं, चार केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, एट नॉर्मल लॉस को डिस्कस किया, और लॉन्ग रन में हमने इसको लॉन्ग रन में इसको डिस्कस किया। जो नॉर्मल प्रॉफिट का केस था वही इसका लॉन्ग रन का केस था, यानी कि जब मार्केट में बंदा तब तक बैठा रहेगा जब तक उसको जितना पैसा लगाया है उतना पैसा मिल जाए, तब तक वो बैठा रहेगा। तो स्टूडेंट्स परफेक्ट कंपटीशन में बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा अगर आपने इकोनॉमिक्स पास करनी है। तो अगर आपको फिर भी कोई मसला हुआ तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा हमें, इंशाल्लाह आपके कमेंट का हम आंसर देंगे और आप तक हम अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी होगी वीडियो होगी वो उसमें हम इंशाल्लाह कल मोनोपोली को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।